सब्सक्राइब कीजिए वे टू सक्सेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वे टू सक्सेस पर। और आज आपके लिए गुड न्यूज है यूपी पुलिस भर्ती की तरफ से, क्योंकि जो लोग काफी दिनों से यूपी पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे आज उनका इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि यूपी पुलिस ने कल रात यानी कि 14 तारीख को एक 42,000 कॉन्स्टेबल का नोटिफिकेशन जारी किया है, और जिसकी ऑनलाइन फॉर्म डेट 22 जनवरी 2018 दी है और लास्ट डेट 22 फरवरी 2018 है। यानी कि आप 22 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और इसमें ₹400 ऑनलाइन फॉर्म के लिए फीस रखी गई है। तो चलिए अब इसकी एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जो एज लिमिट इसमें जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए दी है वो है 18 से 22, और आपने 1 जुलाई 2018 तक एज पूरी कर ली हो, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 1996 और 1 जुलाई 2000 के बीच में हुआ होना जरूरी है। और इसमें फीमेल जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट की बात करें तो वो दी गई है 18 से 25, यानी कि आपका जन्म 1 जुलाई 1993 और 2 जुलाई 2000 के बीच में हुआ होना जरूरी है। तो चलिए अब इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है 10+2, यानी कि आपने 10+2 पास कर लिया हो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको रिटिन एग्जाम देना होगा। रिटिन एग्जाम इसमें 300 नंबर का रखा गया है, जिसमें आपको रीजनिंग, जीके, हिंदी, मैथ सब्जेक्ट मिलेंगे, और अब की बार इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो चलिए अब इसके पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी हाइट के बारे में। जो मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट दी गई है वो है 168 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट रखी गई है 152 सेंटीमीटर, और मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट मिनिमम 79 रखी गई है और एक्सपेंड होने के बाद करीब 84, यानी कि आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंस यानी कि फुलाव देना होगा। और वहीं रिजर्व कैटेगरी एस टी एस सी ओ बी सी के लिए चेस्ट मिनिमम 77 दी गई है और एक्सपेंशन के बाद 82, यानी कि आपको फुलाव 5 सेंटीमीटर का देना है। पीएसटी क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों आपको पीईटी देना होगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं रनिंग की। जो मेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें रनिंग रखी गई है वो है 4.8 किलोमीटर, यानी कि आपको 4800 मीटर 25 मिनट में पूरा करना है, और इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं रखा गया, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। अगर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रनिंग 2.4 किलोमीटर रखी गई है, यानी कि आपको 2400 मीटर 14 मिनट में पूरा करना है, और इसके लिए भी कोई मार्क्स नहीं है, ये भी केवल क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप पीएचडी और पीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि रिटन एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और अगर इसकी सैलरी के बारे में बात करें, यानी कि जो आपको सिलेक्शन होने के बाद सैलरी दी जाएगी वो इसमें ग्रेड पे दिया गया है 2000, यानी कि आपकी सैलरी करीब 27,000 के आसपास होगी। तो दोस्तों ये थी यूपी पुलिस भर्ती के लिए सारी जानकारी जो मैंने आपको दे दी है। तो दोस्तों मैं वीडियो के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा कि यूपी पुलिस रिटिन के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए या आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आए वो आप तक पहुंचा सकूं। अगर दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Oh, oh, oh.